बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ स्वीट एंड सॉर चिकन विद चाइनीज़ राइस। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सिंपल सी रेसिपी है, क्विक बनने वाली है। तो चलें फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर, 1 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 2 अंडे। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँ। मेरी एक व्यूअर ने पूछा था कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो वो इसलिए है कि अगर आप उसको कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सूप के लिए या ग्रेवी के लिए, तो वो उसकी थिकनेस के लिए है। और अगर फ्राई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको क्रिस्पी करने के लिए है। तो कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च और ऑल पर्पज़ फ्लोर तीनों ही इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। चावल मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। दो ग्लास चावल है, इन्हें मैंने पहले बॉईल कर लिया था। चावलों में कोशिश करें कि चम्मच कम चलाएं। इस तरह हिला के आप चावल चावलों को हल्के हाथ से मिक्स कर दूंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और आपने भी अब मैं चिकन के लिए सॉस तैयार कर लूँगी। 2 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1/2 कप टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस,
1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टेबलस्पून क्रश की हुई सुरख मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून शुगर, और अगर आप थोड़ा सा मीठे का फ्लेवर ज़्यादा चाहते हैं तो आप 1 या 1/2 टेबलस्पून और इसमें ऐड कर दें, लेकिन मेरे घर में बस नॉर्मल सा पसंद किया जाता है। और अब शुगर भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी इसमें। चलिए जी, सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड करूंगी। अब मैं ऑयल में ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ, और अब इन्हें मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ब्राउन नहीं करना ज़्यादा। लहसुन अदरक मैं फ्राई कर चुकी हूँ, और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च चॉप किए हुए। अब इन्हें भी मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। वेजिटेबल में फ्राई कर चुकी हूँ, और अब इसको मैं ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ चिकन। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 कप यखनी चिकन की, और यखनी ऐड करने के बाद इसमें मैं सॉस ऐड कर दूंगी जो कि हमने तैयार की थी अभी, और अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी सॉस। ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी 1/4 कप पानी, अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये हमारे स्वीट एंड सॉर चिकन की थिकनेस के लिए।